दोस्तों के साथ बिहार देव पांड्या को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है भारत और आयरलैंड की टीम के बीच में सीरीज का पहला T20 मुकाबला। कहां पर होगा मैच, क्या होगी पांड्या की पलटन और किस समय से शुरू होगा, आपको सारी डिटेल्स बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पहले T20 मैच को कौन सी टीम जीत कर दिखाएगी, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि 5 मैचों के T20 सीरीज का तो कोई नतीजा नहीं निकल पाया। आपको बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में ये जो 5 मैचों की T20 सीरीज थी, इसमें दोनों ही टीमों ने कांटे की टक्कर का प्रदर्शन किया। साउथ अफ्रीकी टीम दहाड़ते हुए पहले 2 मैच जीत गई, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम ने भी जबरदस्त पलटवार करते हुए अपनी बेमिसाल गेंदबाजी, बल्लेबाजी और ऑलराउंड प्रदर्शन के चलते अंतिम 2 मैचों को जीता। लेकिन जब सीरीज डिसाइडर होना था, यानी कि 5वां T20 मुकाबला, तब बैंगलोर में बारिश इतनी जोर से हुई कि मुकाबला रद्द ही करना पड़ गया। जिसका मतलब दोस्तों सीरीज का कोई नतीजा नहीं निकल पाया और हर कोई बेताब है एक बार फिर से T20 में भारत को जीता हुआ देखने के लिए। और अब ये सपना पूरा होगा आयरलैंड के दौरे पर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी एक ब्रेक के बाद आयरलैंड के लिए रवाना हो चुके हैं। अब आयरलैंड के साथ हमें उन्हीं के देश में 2 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। माना कि दोस्तों आयरलैंड की टीम ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी डबलिन के मैदान में कौन सी टीम जीतेगी, चलिए पता लगाते हैं। सीरीज का पहला मुकाबला डबलिन में खेला जाएगा, यह आयरलैंड की राजधानी भी है। दोस्तों आयरलैंड के शहर डबलिन के कैसल वेन्यू नाम के स्टेडियम में यह मुकाबला होगा, जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर लगभग 99% जीत का रहा है। ऐसे में दोस्तों डबलिन में तो भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का परचम लहराएगा ही, लेकिन मुकाबला शाम को 6:30 नहीं, 7 नहीं, बल्कि एक नए समय के साथ शुरू होगा। आपको बता दें आयरलैंड के वक्त के अनुसार ये मुकाबला भारत के समय में रात 9 बजे से शुरू होगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जब तक भारत में लगभग 1 इनिंग निपट जाती है तब वहां से मैच शुरू होगा और तब भी टॉस होगा, यानी कि एक्चुअल मुकाबला 9:30 बजे से शुरू होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जरा दोनों टीमों के बारे में। आयरलैंड की टीम के बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयरलैंड की टीम कुछ खास नहीं कर पाई है अब तक। में दोस्तों आयरलैंड की टीम का कोई ऐसा इकलौता भी खिलाड़ी नहीं है जिसका नाम हम आपको बताएं या फिर जो बहुत ज्यादा फेमस हो। हाँ, लेकिन भारतीय टीम में क्या बदलाव होंगे, चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो यह है कि पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें पांड्या टीम की कमान संभालते नजर आएंगे। 8 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि 5 कप्तान एक ही साल में बदले गए हो, और अब यह वाकई में भारत के साथ हुआ है और अब कप्तानी होगी T20 फॉर्मेट में पांड्या के हाथों में। खैर दोस्तों, पांड्या अपनी कप्तानी का परचम वैसे ही बुलंद करा चुके हैं। गुजरात को उन्होंने IPL जिताया था और उनकी फॉर्म भी इस बार की सीरीज में काफी ज्यादा उम्दा थी। लेकिन उनकी टीम के अंदर ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, दिनेश कार्तिक, युजवेंद्र चहल और आवेश खान जैसे सितारे तो नजर आएंगे ही, जिनका प्रदर्शन इस सीरीज के दौरान काफी ज्यादा उम्दा था। और सूर्या भी अपना कमबैक तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक ऐसा गेंदबाज भी है जो कि अब गेंदबाजों की टोली में शामिल हो जाएगा। हालांकि दोस्तों आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल की ही तिगड़ी ने साउथ अफ्रीका सीरीज को संभाला था, लेकिन अब उमरान मलिक को मौका मिल सकता है, क्योंकि यही तो अब एक चांस रह गया है। आगे चलकर ये 2 मैचों की छोटी T20 सीरीज होनी नहीं है, हमारे मुकाबले इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज व ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से है, तो उमरान को मौका मिलना मुश्किल है। ऐसे में दोस्तों इससे बेहतर मौका और क्या होगा, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, उमरान को मौका देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।